हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता अपनी नई नवेली बहू रीमा और बेटे मोहन की आरती उतारकर उनका घर प्रवेश करवा रही होती है। वो जैसे ही आरती की थाली एक बार रीमा के मुंह के आगे घुमाती है तो थाली में से एक मिठाई कम हो जाती है। ऐसे ही दो तीन बार गोल गोल आरती की थाल घुमाने से उसमें रखी मिठाइयाँ गायब हो जाती है। ये देखकर कांता बोलती है, ये क्या है, अभी इसमें तीन चार मिठाई थी, अब एक भी नहीं बची, कहाँ गई मिठाई, अब बहू का मुंह कैसे मीठा करवाएं? कांता की ये बात सुनकर रीमा अपना घूंघट उठाकर सारी मिठाई अपने हाथों में दिखाते हुए बोलती है, माँ जी हम तो पहले ही अपना मुंह मीठा करने का इंतजाम कर लिए, देखिए ये रही मिठाई। अरे बहू, आरती करते करते तूने मिठाई कब उठा ली, मुझे तो पता ही नहीं लगा। पता कैसे लगेगा माँ जी, अरे मेरे हाथ की सफाई का तो मुझे भी पता नहीं चलता, मैं दाएं हाथ से कुछ चुराऊं तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं रहती। हाय हाय मोहन, ये कैसी चोरनी बहू लाया है, अरे चोर थी क्या ये पहले? नहीं नहीं माँ, ये मजाक कर रही है। बहू मैं तेरी सास हूँ, देवर नहीं, ज्यादा मजाक मत किया कर मेरे साथ, कहीं तेरा मजाक तेरे ऊपर भारी न पड़ जाए। ठीक है माँ जी। रीमा अपने ससुराल में आती है लेकिन उसको चोरी करने की बुरी आदत होती है जिसको मोहन अपनी माँ से तो छुपा लेता है। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब घर में चीनी खत्म थी तो कांता अपनी बहू को पैसे देकर बोलती है, बहू ले पैसे, चीनी खत्म है, जा जरा दुकान से ले आ। ठीक है माँ जी, दीजिए पैसे, मैं ले आती हूँ। कांता से पैसे लेने के बाद रीमा बाहर जाती है जहाँ वो अपने मोहल्ले से गुजर रही होती है तो देखती है कि उनकी पड़ोसन माला की रसोई की खिड़की गली की तरफ खुली है। वो पास जाकर खिड़की से रसोई में झांकने लगती है और किसी को ना देखते हुए बोलती है, जब चोरी करने से चीनी आ सकती है तो पैसे क्यों फूके जाए, ये पैसे मैं संभाल कर रख लूंगी, कभी और काम आ जाएंगे। रीमा आसपास देखती है फिर खिड़की से माला की रसोई में रखा बड़ा सा चीनी का डब्बा दबे पांव लेकर निकल जाती है। कुछ देर में जब वो डब्बा लिए घर आती है तो कांता ये देखकर बोलती है, बहू मैंने तुझे खुली चीनी लाने के लिए पैसे दिए थे तो ये डब्बा कहाँ से ले आई? माँ जी वो दुकान वाले के पास ये डब्बा एक्स्ट्रा था तो वो फेंकने जा रहा था तो मैंने ही ले लिया, इसमें सारी चीनी आ गई। अच्छा मैं इसको रसोई में रख के आती हूँ। ठीक है। रीमा अपनी पड़ोसन का चीनी का डब्बा चुरा लेती है। अगले दिन माला गले में चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को गालियाँ दे रही होती है। ये सब सुनकर रीमा छत पर खड़ी हंस रही होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रीमा को छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत पड़ चुकी थी। एक सुबह मोहन बाथरूम से चिल्लाते हुए रीमा को बोलता है, रीमा यार मैं अलमारी से अपना कच्छा लाना भूल गया हूँ, जरा ला दो। जी देती हूँ। रीमा अलमारी खोल कर देखती है तो मोहन के सभी कच्छों में कहीं ना कहीं छेद था। ये देखकर वो बोलती है, क्या मोहन जी आपके सारे कच्छों में छेद हो रखा है, ऐसे फटीचर कच्छे पहनते हो क्या आप? अरे यार अब मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं नया लेकर आऊँ, तुम ला देना बाद में, अभी फिलहाल उनमें से ही एक दे दो। रीमा मोहन को उसका कच्छा दे देती है जिसके बाद वो दोपहर में छत पर अपने कपड़े सुखाने जाती है तो देखती है कि बगल वाली पड़ोसन कमला की छत पर उसके पति के तीन चार नए कच्छे सूख रहे हैं। वो चुपके से उसकी छत से दो कच्छे उठा लाती है और शाम को मोहन को देते हुए बोलती है, ये लो नए ले आई हूँ मार्केट से आज, अब इनको मत फाड़ना। ठीक है बाबा। अगली सुबह मोहन ऑफिस चला जाता है जिसके बाद उनकी पड़ोसन कमला अपने पति के कच्छे चुराने पर छत से ही खड़ी खड़ी गली वालों को गाली सुनाते हुए बोलती है, अरे शर्म कर लो गली वालों, कम से कम इंसान के कच्चे को तो छोड़ दो, वो भी चुराने लगे, आजकल के लोग तो हे भगवान घोर कलयुग आ गया है, खुले में कच्चा सुखाना भी गुनाह है, कब कौन चुरा ले जाए क्या पता। कमला की बातें अपने दरवाजे पर खड़ी रीमा सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर कांता उससे बोलती है, बहू तुझे क्यों खुशी मिल रही है इतनी, अरे वो गली वालों को गाली दे रही है, गली में हम भी आते हैं। वो छोड़िए माँ जी, ये देखिए कच्चे भी चोरे होने लगे, कितना अजीब है ना।
हाँ ये तो है, पता नहीं इतनी चोरियाँ कौन कर रहा है। पहले माला की चीनी चुराई किसी ने और अब कमला के पति का कच्चा। कांता इस बात से अनजान थी कि इन सब चीजों में उसी की बहू शामिल है। एक बार तो हद ही हो गई। रीमा कांता के साथ मार्केट जाती है जहाँ कांता सब्जियाँ खरीदने में व्यस्त होती है तो रीमा सब्जियाँ चुराने में। घर आकर जब कांता देखती है तो उसकी ली सब्जी ज्यादा लग रही थी तो वो अपनी बहू को बोलती है, बहू ये सब्जियाँ इतनी तो नहीं थी, मतलब मैंने इतनी सारी सब्जी तो ली नहीं थी। अरे माँ जी ली थी, आपको याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं होगा आपको। चलो आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, साथ ही ये सब्जियाँ भी रसोई में रख देती हूँ। कुछ देर में रीमा अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है और खुद भी उसके साथ बैठकर चाय पी रही होती है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में साड़ियाँ बेचने वाला आता है। मोहल्ले की सभी औरतें उसके पास साड़ियाँ देख रही होती है। रीमा भी देखने लगती है और जब साड़ी वाला बाकी औरतों को साड़ियाँ दिखा रहा होता है तो रीमा चुपके से एक साड़ी निकाल लेती है, लेकिन उसको साड़ी ले जाते हुए साड़ी वाला देख लेता है जो उसके पीछे जाता है। रीमा अपनी सास कांता के पास आकर बोलती है, माँ जी ये लीजिए साड़ी, मैंने आपके लिए ली है। कैसी है साड़ी? तो बहुत अच्छी है बहू, कितने की ली और पैसे दे दिए? हाँ माँ जी दे दिए, ये मैंने आपके लिए ली है 1000 रुपए की, आपको पसंद तो आई ना? हाँ हाँ बहू बहुत पसंद आई। कांता साड़ी को खुद पर लगाकर देख ही रही होती है कि तभी साड़ी वाला और पड़ोस की औरतें उनके घर आती है और साड़ी वाला अपनी साड़ी कांता से छीनते हुए बोलता है, चोर कहीं के? अरे पैसे नहीं है तो सोचते ही क्यों हो साड़ी लेने की, इतने अच्छे घर के होकर भी चोरी करते हैं चोर। ये क्या बदतमीजी है, किसको चोर बोला, क्या चुराया है हमने? इस बात का जवाब देते हुए पड़ोसन कमला बोलती है, तुमने नहीं कांता बहन, तुम्हारी बहू ने ये साड़ी ये बिना बताए छुपा कर लाई है साड़ी वाले के पास से। जब वो हमको साड़ी दिखाने में बिजी हो गया तो तुम्हारी बहू ने इसका फायदा उठा लिया। हाँ अरे पैसे नहीं है खरीदने के तो ऐसे ही बोल देते, मैं कोई पुरानी सी साड़ी ऐसे ही दे देता, इतनी अच्छी वाली साड़ी चुरा लाई आपकी बहू। अरे मुझे तो लगता है कि गली में हो रही चोरियाँ भी कहीं कांता की बहू ही तो नहीं कर रही। चुप, सब चुप हो जाओ, मेरी बहू ने कोई चोरी नहीं करी समझे, वो ये साड़ी मुझे दिखाने लाई थी बस, अगर मुझे पसंद है तो वो मेरे लिए खरीदेगी। वो देखो सोफे पर पर्स रखा है, वो पैसे लेकर आ ही रही थी। बहू इनको साड़ी के पैसे दे। रीमा पर्स में से पैसे निकाल कर साड़ी वाले को दे देती है जिसके बाद वो साड़ी रीमा को देने लगता है तो कांता रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ ये साड़ी तुम अपने पास रखो और इसका कुछ भी करो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस साड़ी की वजह से तुमने मेरी बहू को चोर बोला इसलिए ये साड़ी खरीद कर भी हम नहीं लेंगे। माफ करना आंटी जी, हमको पता नहीं था ये सब, हम चलते हैं, माफ करिएगा। साड़ी वाला माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है जिसके बाद सभी पड़ोसी भी जाने लगते हैं। तभी कांता कमला को रोककर बोलती है, कमला मेरी बहू चोर नहीं है समझी, इसलिए दोबारा उसके खिलाफ एक भी शब्द बोलने से पहले सोच समझ लेना। माफ करना कांता बहन। सब चले जाते हैं और कांता रीमा की गलती को छुपा लेती है जिसके बाद रीमा तब तो कुछ नहीं बोलती लेकिन सबके जाने के बाद माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने आपसे झूठ कहा और चोरी की, आज मेरी वजह से आपकी इज्जत पर भी दाग लग जाता, और माँ जी इससे पहले भी मैंने चीनी और कच्चा चुराया था, मुझे माफ कर दो। बहू मैं तुझे माफ कर दूंगी, बस एक बात बता तू ये सब क्यों करती है? माँ जी अपने घर के पैसे बचाने के लिए मैं दूसरों के घर के सामान चुरा लिया करती थी। बेटा चोरी करना गलत है, चोरी करने से हम पाप की कमाई खाते हैं जो मुझे कतई मंजूर नहीं है, इसलिए आज के बाद इस घर में कुछ भी चोरी का मत लाइयो। कभी नहीं माँ जी, कभी भी नहीं। कांता अपनी बहू को गले लगाकर चुप करवाती है और उसको माफ कर देती है जिसके बाद से रीमा कभी चोरी नहीं करती और उसकी ये बुरी आदत कांता की वजह से छूट जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।